व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज लक्की सिंह और आपका स्वागत है लक्की के व्लॉग में। तो गाइस कल को जन्माष्टमी है और आपको पता ही है ये मैं 18 तारीख को शूट कर रहा हूँ। और अभी ये जो पन्नियाँ मतलब जो पन्नियाँ हैं मतलब ये हमें मंदिर में लगानी है, वहाँ पे ऊपर भी सारे में लगानी है। मतलब चलो ये है हमारा पूरा मंदिर और अभी देखना आप इसे कैसे हम सजा देंगे पूरा। तो गाइस फिर जो ये वाली हैं, ये वाली हम उतार देते हैं जरा यहाँ से। ये हमने निकाल दी है, अब इसे यहाँ रख देते हैं। अभी पहले फिर इन पर थोड़ी सी फेविकोल लगाएंगे और यहाँ चिपका देंगे। और तो कहीं लगानी नहीं, ओ छिपकली। ये मेरी ब्लॉग में आ गई ये। तो गाइस अभी लगाते हैं इस पे गम, लगा दी है गम, अभी इसे चिपकाएंगे। हमने पन्नी तो लगा दी है पर अभी जरा लाइटें बंद कर रखी हैं, जो मतलब मेन बल्ब है वो बंद कर रखा है। जब ये जल जाएगा वहाँ की साफ सफाई हो जाएगी, फिर दिखाऊंगा आपको कितना बढ़िया सजाया है हमने। तो अंधेरा हो रहा है अभी, आपको ढंग से दिख नहीं पा रहा होगा, पर जब लाइट जलेगी जब देखना। फिर अभी करता हूँ मैं डिनर। तो गाइस कमेंट में बताना कि अभी भी कौन कौन सिन चैन देखता है। तो गाइस आज है 19 तारीख और अभी मैं ये व्लॉग जो शूट कर रहा हूँ ये मैं 7 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिल पाया। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। खैर आप सबको पता ही है कि आज जन्माष्टमी है, तो आज मैं दिखाता हूँ कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल मतलब कैसे बनाते हैं जन्माष्टमी। चलो फिर चलते हैं, मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ मतलब कैसे सजा रखा है, क्या है मतलब वहाँ पर। चलो तो गाइस यहाँ से होती है हमारी सरकारी अस्पताल के तीसरे गेट के अंदर जाने की एंट्री, और यहीं पर सारा सजा रखा है क्योंकि यहीं पे मंदिर है। और देखिएगा इतना प्यारा सजा रखा है सारे में, और सामने हनुमान जी और भोले जी, पार्वती और कृष्णा, राधा बैठे हैं। तो वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस बच्चे को भोले जी बना रखा है उसे मतलब बताया नहीं था कि तुझे कैसे डांस करना है, वो बेचारा है उनसे पूछ। तो भाई अब कहीं और चलते हैं और देखते हैं हमारे शहर में कहां कहां सजा हुआ है। चलो फिर चलते हैं, दिखाता हूं आपको। तो इस कमेंट में बताना है मुजफ्फरनगर की कौन सी जगह है, और यहाँ पे बिल्कुल इतना गजब का सजा रखा है कि मतलब अलग ही लेवल का सजा रखा है यहाँ पे। और अभी इसके अंदर भी चलेंगे, भीड़ बहुत हो रही है अंदर। चलो फिर दिखाता हूँ आपको मैं अंदर से। तो गाइस अंदर बैठे हैं कृष्णा जी और राधा जी, देख कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो अब हो गई है भोले पार्वती की एंट्री। तो वैसे कृष्णा जी ने राधा जी को ज़्यादा ही घुमा दिया, उन्हें चक्कर भी आ गई, इस वजह से उन्हें अपने सर पे हाथ रखना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमारे अस्पताल में कैसे बनती है जन्माष्टमी,
तो भाई वहाँ पे बच्चों को मतलब कृष्ण जी भोले जी बना रखा था और वे नाच रहे थे। चलो फिर अब आपको दिखाता हूँ कि हमने अपना मंदिर कैसे सजाया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था ना, अभी दिखाता हूँ। तो भाई देखो हमारा मंदिर कितना बढ़िया लग रहा है, अब पूरा हमने ऊपर तक लगा दिया है जयपुरी वाली पन्नी। मुझे इसका नाम नहीं पता था, मुझे आज पता लगा इसका नाम, पर आज 19 तारीख है गाइस, क्योंकि आज ही है हमारे कृष्ण जी का बर्थडे। तो गाइस 12 बजने वाले हैं और 12 बजे मम्मी ने कहा था कि कृष्ण जी को मतलब मिठाई का भोग लगाना है, तो पीछे आपको दिख ही रहा है क्योंकि हमारे मंदिर में कोई भी कृष्णा जी नहीं है, हमारे से यही पोस्टर है बस, सॉरी बाहर है पोस्टर। चलो फिर अभी जरा 12 बजने में 2 मिनट में आपको जरा टाइम दिखाता हूँ। तो गाइस बस कुछ ही मिनट है, मतलब कि बस 1 मिनट है 12 बजने में, 1 मिनट है गाइस बस 12 बजने, 12 बज गए गाइस देखिए। तो फिर कृष्ण जी हैप्पी बर्थडे। तो गाइस ये मिठाई का डब्बा लाए थे हम, मतलब हमने घर में तो बनाए नहीं थे, हम बाहर से ले आए थे, उसमें सिर्फ 6-7 ही पीस आए, तो अभी ये चढ़ा देते हैं फिर कृष्ण जी को, मतलब भोग लगा देते हैं इनका। और ये रहे हमारे कृष्ण जी, हम लगा देते हैं इन पर भोग मिठाई का। लो कृष्ण जी खा लो, और थोड़ा सा इन्हें भी खिला देते हैं हम। जय कृष्ण लाल जी। तो गाइस अब 12 बज चुके हैं और आज 20 तारीख हो चुकी है अब। तो गाइस आपने देख ही लिया है ऐसी बनी थी हमारी इस बार की जन्माष्टमी। अब तो गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको सपोर्ट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे बने ब्लॉग के साथ, बोलो जय कृष्ण भगवान की, बाय। पर सब सो चुके हैं, सिर्फ मैं ही जग रहा हूँ क्योंकि मुझे भोग लगाना था। बाय।